स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे वेस्ट टू वंडर पार्क में। इस वीडियो में हम आपको एक खास मेहमान से भी मिलाएंगे जो कि एक यूट्यूबर हैं। ये एक कोलैबोरेशन वीडियो भी आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पिक्स हैं वो रात की हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पार्क कितना ब्यूटीफुल है। रात में लाइटनिंग की वजह से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्क की जो खास बात है वो यह है कि यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल लाइक स्क्रैप मटेरियल या ऑटो पार्ट से बनाए गए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। आज मैं आया हूँ यहाँ पे वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में। यहाँ जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल से 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को यहाँ पर दिखाया गया है। रात में यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं केवल वीडियो के चक्कर में। तो चलिए आज हमारे भाई लोग साथ में हैं, तो इनसे भी कुछ बातें करते हैं। तो भाई अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद सवालम और YouTube पे मेरा चैनल है लुनेटिक एप्स के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ और आज भाई के साथ कोलैब करने आया हूँ। भाई ने बोला था, तो गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी भाई ने बोला था तो उनकी बात भी रखनी थी, तो अभी आ गए। बाकी बात करते हैं भाई से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप YouTube के अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं। YouTube के अलावा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप YouTube पे कब से हैं? लगभग 2 साल हो गए मुझे YouTube पे लेकिन इससे पहले मेरा दूसरा चैनल था जो कि डिसेबल हो गया था किसी कारण से, मुझे भी नहीं पता कौन सा कारण था, बट वो डिसेबल हो गया था। और ये वाला जो चैनल है ये मतलब 1.5 साल से लगभग चल रहा है मेरा, और अभी जाके ये ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग मिलके जो है आगे बढ़ सकें। अच्छा, आपको ये YouTube पे मोटिवेशंस वगैरह कहाँ से मिलती हैं, कि आपको आप किसको फॉलो करते हैं YouTube पे? देखो, मैं सारे तरह के वीडियो देखता हूँ, सारे क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, और माय स्मार्ट सपोर्ट को मैं ज़्यादा देखता हूँ। और मेरा चैनल जो है वो भी उनकी तरह का ही है, मतलब हर टाइप के, हाँ टाइप के कंटेंट आते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है भाई के साथ, और भी ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, तो एंजॉय करिए, लास्ट तक देखते रहिए। और भाई के चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं भाई के चैनल को। मैंने भी देखा है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो है पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट 7 वंडर ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो आप ट्विन देख रहे हैं, जुड़वा जो देख रहे हैं, वो साउथ ईस्ट दिल्ली में है। जो ये स्ट्रक्चर है वो 110 लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें 10,800 फीट स्क्रैप एंगल्स का यूज़ किया गया है, जिनका वेट 10 से 12 टन है। दूसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसका नाम जो है लीनिंग इसलिए पड़ गया क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया था 60 से 80 डिग्री एंगल पे। तो ये जो आप इसका ट्विन देख रहे हैं ये 39 फीट है, जिसमें 10.5 टन वेस्ट का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यह है एफिल टावर। ओरिजिनली ये फ्रांस में है, सबको पता है। जो यह इसका ट्विन है ये 70 फीट टॉल है, जिसमें 40 टन ऑटोमोबाइल वेस्ट, जिसमें पेट्रोल टैंक्स फ्रॉम जो ट्रक से लिया जाता था, क्लच प्लेट्स, सी चैनल्स एंड एंगल्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कॉलेजियम, जिसका जो हाइट है वो 16 फीट 6 इंच है, जिसमें 60 टन वेस्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोल्स, मेटल रेलिंग, बेंच, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंड स्क्रैप मटेरियल को यूज़ किया गया है। इसमें 410 कार व्हील्स को भी यूज़ किया गया है। वैसे तो ताजमहल के बारे में सबको पता है, लेकिन ये जो ट्विन ताजमहल है इसको 5.5 महीने में बना दिया गया था विद द हेल्प ऑफ 24 लेबर्स, 30 टन ऑफ वेस्ट। इसके अंदर 1600 साइकिल रिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल पाइप्स, ओल्ड पैन, पार्क बेंचेस, स्विंग्स, एंगल्स, ट्रक स्प्रिंग का यूज़ करके इस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को बनाया गया है।
नेक्स्ट स्टैचू जो देख रहे हैं वो है ब्राजील्स क्रिस्ट द रिडीमर। इस स्ट्रक्चर को 5 महीने के अंतराल में ही बना दिया गया था। इसमें मोटर बाइक की चेन्स का यूज करके इस स्टैचू के हेयर्स बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स को वर्टिकली प्लेस करके इस स्टैचू की ड्रेस का लोअर पार्ट बनाया गया है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओरिजिनली ये स्टैचू यूएसए में है, बट यहाँ जो आप उसका ट्विन देख रहे हैं वो 35 फीट टॉल है और इसमें 31 ईयर के जाकिर ने 7 से 8 टन वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके इस स्टैचू को बनाया है। इसमें ओल्ड पाइप्स, मेटल रेलिंग, एंगल्स का यूज़ किया गया है। इसके हेयर्स को साइकिल चैन की हेल्प से बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर भी देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। इस पार्क को बनाने का आइडिया डॉक्टर पुनीत गोयल, कमिश्नर एसडीएमसी के दिमाग में बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी देखने के टाइम आया था। उनको लगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड राजस्थान में है तो यहाँ क्यों नहीं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, डायरेक्ट अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप ज़रूर आप देखिएगा भाई के चैनल को, विजिट ज़रूर करिएगा एक बार। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जगह के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।